गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज से हम स्टार्ट करेंगे 1 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में। और मध्य प्रदेश का आपका एक करंट अफेयर होगा, ये कुछ कंटेंट है, नोट्स हैं, अगर आप ये लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये मध्य प्रदेश जीके है, पूरा अपडेटेड है, 2020-21 के नाम से है, यानी कि इसमें 2019 तक वैसे एग्जाम्स हुए हैं, तो 2019 तक के जितने भी एग्जाम्स हैं वो सारे इसमें आपके कवर हो जाएगी। मतलब इसमें प्रीवियस पेपर्स हैं एमपीपीएससी और पीईबी में, सभी पूछे गए प्रश्नों का इसके अंदर संकलन है, ठीक है। दूसरा जी विज्ञान की नोट्स हैं क्लास 11th और 12th के, बायोलॉजी के। इसके अलावा पूरा साइंस है क्लास 8, 9 और 10 का, यहाँ से ज़्यादातर प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे संबंधित क्वेरी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, ये करंट अफेयर भी हमारा अवेलेबल है, ये अगर आप लेना चाहें तो ये ले सकते हैं। इनकी जो लिंक है वो लिंक सारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। चलिए, कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि पातालकोट घाटी मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो बहुत आसान था, छिंदवाड़ा जिले में है। दूसरा प्रश्न है भगवान शनि की बहन किस नदी को कहा गया है, तो ताप्ती नदी जो है इसको भगवान शनि की बहन कहा गया है, क्योंकि भगवान शनि को सूर्य का पुत्र कहा जाता है, ठीक है। ये सूर्य का पुत्र हो गए हैं और ताप्ती सूर्य की पुत्री हो गई है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन जाते हैं, दोनों भाई बहन बन जाते हैं और इनको महाभारत में भगवान शनि की बहन कहा गया। इसका आंसर किया है संदीप भूर ने, ठीक है। इन्होंने बताया कि छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील में है पातालकोट, यहाँ भारिया जनजाति पाई जाती है ना, जिन्हें जंगलियों का जंगली की संज्ञा दी जाती है। ये जो घाटी है धरातल से लगभग 1430 से 1645 फीट नीचे है। पातालकोट लगभग 80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह घाटी 80 मतलब घोड़े के खुर, जूते के आकार का है, खुर जो होते हैं घोड़े के उनके आकार का है। यहाँ से दूध नदी बहती है। शिलाजीत व हर्बल जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इसे पातालोक जाने का प्रवेश द्वार है, मेघनाद यहीं से पातालोक गए थे। ताप्ती नदी को भगवान शनि की बहन कहा जाता है। महाभारत में ताप्ती को सूर्य भगवान की पुत्री कहा गया है और शनि को सूर्य पुत्र। ताप्ती नदी का उद्गम बैतूल जिले के मुलताई से हुआ है। वह मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। लंबाई है 724 किलोमीटर। ताप्ती पश्चिम की ओर बहती है, खंभात की खाड़ी में गिरती है, यह डेल्टा नहीं बनाती है। इसके अलावा नर्मदा भी डेल्टा नहीं बनाती है, तो ये बनाती है एस्चुरी, ये भी ध्यान रखिए, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी आपकी एस्चुरीज बनाती है। पश्चिम की ओर बहती है केवल यह दोनों, नर्मदा और ताप्ती। इसके अलावा एक और नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, वो कमेंट करके बताइए। ताप्ती किनारे बसे शहर मुलताई और बुरहानपुर हैं। ताप्ती मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। ताप्ती नदी पर चंदौड़ा बांध बना है। इसके अलावा पारस डूह परियोजना और पारस डूह जलप्रपात भी इसी पर है। इसकी सहायक नदी है शिवा, बोरी, पूर्णा आदि, ठीक है। तो ये पूरी इससे संबंधित कंटेंट आपका हो जाएगा। आज का हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की एक से अधिक बार मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इन 2 क्वेश्चंस को आपको कमेंट करके बताना। ये क्विज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, इस ग्रुप में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जो ग्रुप हमने बनाया है एक्चुअल में क्रिएट करते समय, इस ग्रुप को क्रिएट करते समय हमने उसमें एक सेटिंग करी थी कि एडमिन जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एडमिन हूं तो मैं उसमें किसी को ऐड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए लिंक से ही डायरेक्ट इसमें आप ऐड हो पाएंगे, इसलिए लिंक को ही फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में भी आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में ई ऑफिस प्रणाली को लागू करने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी बन गई है। तो ये देखिए, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है जिसने अभी ये भोपाल में है इसका ऑफिस, और ये ई ऑफिस प्रणाली को पूरे तरीके से लागू करने वाली पहली विद्युत वितरण कंपनी भी हाल ही में बनी है भारत की, ठीक है। देश की पहली बिजली वितरण कंपनी जिसने पूरे कंपनी कार्य क्षेत्र के कॉरपोरेट से लेकर मैदानी दफ्तरों ने ई ऑफिस प्रणाली से काम करना शुरू कर दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। कंपनी ने यह निर्णय लिया है कि 27 जुलाई से NIC ई ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ई फाइल व पत्राचार किया जाएगा। कब से बनी है? 27 जुलाई से बनी है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा मंत्री कौन है? मध्य प्रदेश की ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदाय की योजना पुनः प्रारंभ की जा रही है मध्य प्रदेश में, इसका लाभ किन विद्यार्थियों को मिलेगा। देखिए,
ये जो लैपटॉप प्रदाय योजना है अभी बंद कर दी गई थी कुछ दिनों पहले, लेकिन फिर से इसको प्रारंभ किया गया है। तो जो 12th के बच्चे होते हैं, ठीक है, तो 12th के बच्चों को उनकी जो 12वीं की व्यवसायिक मंडल की सॉरी मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो शैक्षणिक सत्र 2019-20 की जो मुख्य परीक्षा है उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शित करने वाले विद्यार्थियों को इसका लाभ दिया जाना है। ठीक है, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पे एक तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 25,000 रुपये की राशि इसमें दी जाती है। इसके अलावा 12वीं की जो मुख्य परीक्षा है उसमें वो उत्कृष्ट प्रदर्शन अगर करते हैं तो इनको ये लाभ मिलता है। इसका जो लाभ है वो नियमित तो और स्वाध्यायी दोनों प्रकार के विद्यार्थियों को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त को ग्वालियर से विश्व स्तनपान सप्ताह का ऑनलाइन शुभारंभ किसके द्वारा कराया जाएगा? ग्वालियर से आरंभ हो रहा है इसका, पहली चीज तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो महिला बाल विकास मंत्री, ठीक है, ये हैं इमरती देवी और कांग्रेस से भाजपा में आई हैं। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व स्तनपान सप्ताह, यानी कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ठीक है, अगस्त 1990 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ और विभिन्न देशों की सरकारों ने यह सप्ताह मनाने का निर्णय लिया। नवजात शिशु के लिए मां के दूध का महत्व बताने वाला यह सप्ताह है प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बस दो ही चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये श्रीमती इमरती देवी जो महिला बाल विकास मंत्री हैं उनके द्वारा ग्वालियर से इसका ऑनलाइन शुभारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित वेबिनार में भी वो शामिल होंगे। दूसरी बात क्या है, विश्व स्तनपान सप्ताह है जो है 1 से 7 अगस्त के मध्य मनाया जाएगा। इसकी मुख्य थीम इस वर्ष होगी स्वस्थ दुनिया के लिए स्तनपान का समर्थन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। अगला प्रश्न है, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत कब से पूरे प्रदेश में गौ भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा? तो नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 1 अगस्त यानी कि आज से ही पूरे प्रदेश में गौ भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जाएगा। NADCP यानी कि नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम योजना के तहत प्रदेश में 290 लाख गौ भैंस वंशीय पशुओं को टैग लगाए जाने हैं। भारत सरकार को 200 लाख टैग के लिए मतलब मध्य प्रदेश ने भेजे थे, मांग पत्र भेजे गए थे। इसके प्रत्युत्तर में प्रदेश को 200 लाख टैग उपलब्ध करा दिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। साथ में ही इन पशुओं के लिए 262 लाख MFD टीका द्रव्य भी प्राप्त हो गया है। टीकाकरण के प्रथम चरण के लिए केंद्र शासन द्वारा 48 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि अभी हाल में प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जनरल प्रोग्राम क्या है। केंद्र शासन द्वारा गौ भैंस बकरी भेड़ सुकर के टीकाकरण के लिए वैक्सीनेशन के लिए नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि NADCP प्रारंभ किया गया है। इसमें प्रथम चरण में मात्र गौ भैंस वंश का टीकाकरण किया जाएगा। ये मध्य प्रदेश परस्पेक्टिव में हम बात कर रहे हैं। टैगिंग की जाएगी, तो टैगिंग पशुओं की जानकारी जो है वो INAPH सॉफ्टवेयर में दर्ज की जाएगी। इनके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो है। कार्यक्रम 6 माह के अंतराल में वर्ष में 2 बार संचालित होगा, मतलब हर 6 महीने में इनकी जो टैगिंग है वो की जाएगी। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक योजना है क्योंकि ये, किस प्रदेश में 31 जुलाई 2020 को जेलों में बंदी परिजनों की ई मुलाकात योजना का ई लोकार्पण किया गया? तो ये मध्य प्रदेश है जिसमें 31 जुलाई को जेलों में जो बंदी होते हैं जो कैदी होते हैं उनके परिजनों से उनकी मुलाकात के लिए ई मुलाकात योजना का ई लोकार्पण किया गया है। देखिए अभी तक क्या होता था, एक मुलाकात का उनका सिस्टम होता है कि बंदियों को उनके परिजनों से समय समय पर जेलों में ही मुलाकात करवाने का प्रावधान होता है। ठीक है, लेकिन अभी कोविड महामारी के कारण ये मार्च के द्वितीय सप्ताह से मुलाकात व्यवस्था बंद कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन अभी इस पे काफी विचार करने के बाद फिर ई मुलाकात योजना का लोकार्पण किया गया है,
नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री और जेल मंत्री हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश के 31 जुलाई डेट इंपॉर्टेंट है। देखिए जहां मैं आपको डेट दे रहा हूं वो तो आप बिल्कुल रट लो क्योंकि वहां पे डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जेलों में जो बंदी परिजनों की ई मुलाकात योजना का ई लोकार्पण किया है, जेलों में बंदी परिजन से ई मुलाकात कर सकेंगे यानी कि ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकेंगे, ठीक है। ई लोकार्पण अवसर पर महानिदेशक जेल श्री संजय चौधरी उपस्थित थे, यानी कि महानिदेशक कौन है, महानिदेशक हैं संजय चौधरी, काफी टाइम से हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए। और पुलिस महानिदेशक कौन है, पुलिस महानिदेशक हैं जौहरी जी, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये जो व्यवस्था है इसके लिए जो वेबसाइट है www.e-prisons.nic.in वेबसाइट के माध्यम से मुलाकात करने के लिए आवेदन करना पड़ेगा, तो ये वेबसाइट भी याद रख लीजिए, हो सकता है ये भी पूछी जा सकती है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ पे आपके इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।